ये पद चल रहा था, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। अगला है इसमें, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना हुई। अब देखो, सोने की चिंता नहीं है, जो कल बात चल रही थी ना, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोवन होए, तो चिंता सोने की नहीं है। चिंता किस चीज़ की है? चिंता मिलन की है, चिंता भगवान से एकीकार की है। सोना तो वैसे ही भक्त के नसीब से ख़त्म हो जाता है, नींद आती कहाँ है, चैन पड़ता कहाँ है, वो तो रातों को जाग जाग के सिमरन ही किया करता है। उसकी तो आँख खुली रहती है प्यारे के दीदार के लिए, तो सोने की तो मीरा बात कर ही नहीं सकती है, उसको क्या चिंता सोने की। लेकिन बात है, प्यारे से मिलना कैसे हो, प्यारे से एकत्व कैसे हो, प्यारे से करीबी कैसे हो, फिक्र इस बात की है, क्योंकि अड़चन है। कह रही है गगन मंडल पे सेज पिया की, अड़चन क्या है, हम हैं धरती पर और उसकी सेज है गगन में, मतलब हम धरती पर वो आकाश में, अड़चन ये वाली है। अब इनको थ्योरेटिकली मत लेना कि भगवान ऊपर आकाश में बैठे हैं, मीरा धरती पर बैठी है, सिमली दी है। कहना वो ये चाहती है, हम क्षुद्र देह में और वो विशालता में। दिक्कत ये हो रही है कि हम जैसे धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में और वो उपराम, अंतर यहाँ पर पैदा हो रहा है। अंतर जो बता रही है वो धरती आकाश का, वो सिर्फ इस चीज़ का कि वो देह अध्यास के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला गया, वो नहीं है इसमें। और हम खिंच रहे हैं उस देह अध्यास में, हम अपने को बूंद माने बैठे हैं, वो सागर है बड़ा। अब अगर बूंद को कहा जाए सागर को खोजने जाओ, बूंद कैसे खोजे, कैसे मिले, बूंद के लिए ये प्रश्न है। मीरा के अंदर भी यही भावना आ रही है। देखो, हम लोग गुरु के पास आते हैं, गुरु भले हमसे पहले दिन ही कह देता है तो ही मोही मोही तो ही, लेकिन अपने आप को अंतर समझ आता है। तत्व के निश्चय से हम एक हैं, ये बुद्धि में बैठती है बात, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव की दृष्टि से अपने आप को पता चलता है कि जो वो हैं वो तो हम तीन ही काल में नहीं हो सकते हैं। दादाजी भले कितने ऊंचे निश्चय की बात करें, पर जब गुरु की बात करते हैं उनकी वाणी सॉफ्ट हो जाती है। गीता भगवान बहुत आत्मज्ञान पे बात करते हैं, लेकिन जब गुरु महिमा की बात आ जाती है वहाँ पर रस बदल जाता है, फर्क पता चलता है। ये हर एक को अंदर महसूस होता है, कितना तत्व का निश्चय क्यों ना कर लें वो अलग बात हो गई, लेकिन एक बात फील होती रहती है और एक भक्ति कहती है तू ही रहे, मैं ही रहूं, मुझे मैं और तू एक नहीं करने, भक्ति का मज़ा ही चला जाएगा। निश्चय से बात ठीक है, समझ गए,
लेकिन प्रैक्टिकली देखो जीवन में जब हम चलते हैं तो हम ईष्ट को उनका स्थान देके ही चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन से उनका स्थान ख़त्म हो जाए। अभी तुम पिता हो जाओ तो ये मतलब नहीं है अपने पिता को पिता कहना छोड़ दोगे, वो तो पिता ही कहलाएंगे। और जो तुम्हारे पास सुख वैभव ऐश्वर्य उस सब की नींव भी वही कहलाएंगे कि उन्होंने इतना पढ़ाया, उन्होंने इतना काबिल बनाया, उन्होंने कमा के मेरे नाम किया, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन माना जाएगा कि उनके बल पर हम उठे। इसी तरह से अपनी क्षुद्रता का एहसास मीरा को भी हो रहा है। भले बड़ी उच्च कोटि की भक्त है लेकिन भक्ति माना मिटना ही है, भक्ति माना ही है। कभी अहंकार में ना आना, अपने प्यारे की विशालता को और अपनी क्षुद्रता को अनुभव करते रहना। भले क्षुद्रता निकाल भी दे भगवान तो भी एहसास होता रहे कि मैं कितना क्षुद्र होके इनकी शरण आया था और आज इस विशालता में स्थान दिया हुआ उनका है, कृपा उनकी है। तो मीरा को उस सेंस में महसूस हो रहा है कि वो कितने शुद्ध, मेरे अंदर अभी विकार है, वो कितने उपराम, मैं तो अभी फंसी हुई हूँ, वो कितने ऊंचे, मैं तो भाई नीचे धरती पे पड़ी हूँ। जैसे हम लोग भजन गाते हैं, तू आसमान ते मैं धरती, तेरा ध्यान मैं कर कर जीवा, तू है चांद प्यारा सतगुरु, मैं चकोरानी हूँ। ये भावना है, ये धरती और आकाश। आप भी उपमाएं देते हो संसार में, कभी कहते हो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, किसी की बात हो रही हो, कोई बड़ा आदमी कुछ ऐसा कहे, कोई ऐसा रिश्ता आए, कहते हो जी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हम कहाँ उनके साथ रिश्ता कर सकते हैं अपने बच्चे का। आप देते हो उपमाएं, कई बार धरती आकाश की उपमा भी देते हो, और इस भक्ति मार्ग पर ये धरती आकाश की उपमाएं ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल होती हैं। आप सबको मालूम है, कई भजनों में आता है, कई बार सत्संग में आता है। इसका मतलब यही है कि हमको परमात्मा की विशालता का, उनकी महिमा का एहसास जागृत रहे। मीरा को एहसास जाग रहा है और अपने प्यारे की महिमा के एहसास के सिवाय कोई भक्ति कर भी नहीं सकता, कोई मिट भी नहीं सकता। जिसका मन प्यारे से निकल के अपने में पड़ गया, भक्ति मार्ग में वो ज़ीरो हो गया, फेल हो गया। भक्ति मार्ग उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसका मन तो अपने में पड़ गया, मैं भी कुछ हूँ, गुरु ने बताया है हम एक हैं, जो तू है सो मैं हूँ, मन पड़ गया अपने में। ऐसा नहीं भक्त के पास निश्चय नहीं है, पर कैसा निश्चय है? सुनो योगी इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं, इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। ये दस्तूर है भक्ति मार्ग का। इतना गवा देता है भक्त अपने को कि भगवान प्रकट हो जाता है, उसके घट से ही प्रकट हो जाता है। ये निश्चय है, वो निश्चय नहीं जिसमें अहम की लहरें जागें, उसका निश्चय है मिट के पाने का। उसके लिए अपने भीतर नम्रता होना, निमाणापन होना बहुत ज़रूरी है। हर कदम पर प्यारे की रहमतों का एहसास करना, उसकी महिमा का एहसास करना, फिर गुणानुवाद, ये सब ज़रूरी वाली बातें हैं। इसीलिए मीरा ने
भगवान की सेज बता दी गगन मंडल पे और विचार कर रही है किस विद मिलना हुए। अब सोचो ऊंचे से मिलने के लिए भाई ऊंचा होना पड़ेगा, ऊंचे के पास जाने के लिए ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा। अभी समझो हम नैनीताल जाते हैं, आप पहुंचते हो ट्रेन से उतरते हो काठगोदाम। अब आपको आने के लिए क्या करना होगा, चढ़ाई चढ़नी होगी। भाई हम ऊंचाई पे बैठे हैं, आपको वहाँ आना है तो आपको भी ऊंचाई पे आना पड़ेगा। मीरा ने प्यारे को गगनमंडल में क्यों बिठा दिया है, ऊंचाई दे दी है ताकि उस ऊंचे की आस में, ऊंचे की प्यास में मैं भी चढ़ती जाऊं। योग्य तो बनाना पड़ेगा, उस तक जाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मान लिया ऐसा कि वो ऊंचाई पर, भले भगवान हमारे लिए धरती पर भी आता है लेकिन मीरा ये मान के चल रही है कि वो बहुत ऊंचे हैं और भले वो झुक के मुझे उठाते भी हैं फिर भी मुझे एहसास रखना पड़ेगा कि उस ऊंचे के लायक मुझे बनना है। सो गगन मंडल पे सेज पिया की। अब एक अर्थ इसमें और आता है, अक्सर आपने सुना होगा कभी कबीर के भजनों में, कभी दादू साहब की वाणी में, मीरा कह रही है गगन मंडल एक शब्द है। गगन मंडल शब्द विशेष अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो देखो बाहरी आकाश जो आपको देखने में आता है बाहर आकाश, संत कहते हैं एक आपके भीतर का आकाश, दोनों सेम हैं, दोनों उतने ही बड़े हैं। और जो लोग ये चक्र वगैरह मानते हैं वो कहते हैं जो सातवें चक्र में स्थित हो जाता है वही अपने अंदर के आकाश में स्थित हो जाता है। आपने देखा होगा बुद्ध को, भगवान कृष्ण को कमल में, विष्णु जी कमल में, लक्ष्मी जी कमल में, ये सब कमल में बैठे हुए हैं। क्या है ये सातवां चक्र जो है कमल की तरह, सहस्त्र कमल दल खिला, हजारों पंखुड़ियों वाला है ये और परमात्मा उसी में है। कमल माना उपराम, जो कमल में बैठे हैं माना वो ऊंचे हो गए। अब मीरा का यहाँ पर अर्थ क्या है, मीरा कहती है कमल का फूल खिलता है, जैसे खिलता तो कीचड़ से है, कीचड़ नीचे रह गई, फूल कहाँ आ गया, गगन में आ गया। वो कह रही है हम कीचड़ में वो गगन में, किस विध मिलना हुए। कीचड़ किस चीज़ की, देहाध्यास की। देहाध्यास में सब कुछ आ गया, कीचड़ मिक्स होती है, देखा है कीचड़ में कई तरह की गंदगी होती है, मिक्सचर है गंदगी का। मीरा उपमा देना चाहती है कि हम जब देहाध्यास की कीचड़ में हैं और वो ऊपर चढ़ के गगन में खिला हुआ है, ये दूरी खत्म करनी होगी। इस दूरी को खत्म किए बिना मिलाप नहीं हो सकता। बाहर की दूरी तो खत्म हो जाती है, हम साधन करके आ जाते हैं, टैक्सी से आ गए, ट्रेन से आ गए, हवाई जहाज से भी आ गए, बाहर वाले हवाई जहाज से भी आ जाते हैं, दूरियां तो खत्म हो गई बाहर की। पर बात आ गई भीतर की दूरी खत्म करने की। तुलसी माता को बहुत प्रिय लगती थी बात, कहते थे मिले मिलिया ना हो मिले, जो मिले मिलिया होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए।
जब तुम्हारा मिलाप सच्चा भीतर वाला हो। उसके लिए बोला पूरा सतगुरु भेंटिया, ता पूरी हुई युक्त पीछे असंधियां खेलंदियां खावंदियां विचां होवे मुक्त। ये एक मिलाप करना ज़रूरी होता है, भेंट करना ज़रूरी होता है। वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। एक तो इससे अभिमान मरता है, दूसरा हमें एक मंजिल का पता चलता है कि हमें इस मंजिल को पाना है। सो मीरा कह रही है कि ये परमात्मा रूपी कमल कि ये कमल में खिला है परमात्मा रूपी फूल। तो परमात्मा जो है वो कमल कह लो, कमल में बैठा कह लो, पर मैं तो कीचड़ में हूँ। प्रॉब्लम ये है, अड़चन ये है, तो मेरा मिलना उससे कैसे हो। प्राण तड़प रहे हैं, बहुत अंदर उलझन हो रही है, दुख लग रहा है। बहुत बड़ा भवसागर किनारा दिखता नहीं, नाव का कुछ पता नहीं। कह लो तुम उस पार, हम इस पार। अब नाव कोई दिख नहीं रही कि हम उस पार चले जाएं। अब कृपा करो तुम ही इस पार आ जाओ, तब बात बन जाए। मुझे उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा, पर बिना तुझे मिले मुझे शांति नहीं है, मुझे विश्राम नहीं है। अड़चन जो है ये ख़त्म करने में तुम मेरी मदद करो, मेरी अड़चन मिटाने में तुम मेरे लिए यत्न करो। फिर बात वही आ गई कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी कृपा पर निर्भर। भक्ति मार्ग सारा कृपा पर निर्भर होके पार होता है, अपने किए से नहीं, अपने पे भरोसा करके नहीं, उनकी करुणा पे भरोसा करके इस मार्ग पर चला जाता है। अब ये मिलाप भी तुम्हारी कृपा से संभव है, ये मेरा कीचड़ भी तुम खत्म करो। अगर मेरे पास नाव नहीं तुम तक आने के लिए, तुम कृपा करके आ जाओ। मैं असमर्थ हूँ, तुम तो नहीं हो, तुम तो आ सकते हो, तुम तो मेरे बन सकते हो, तुम तो मेरे लिए इतना कर सकते हो। मीरा की इस तरह की भावना है ये कहने में कि गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए। विधियाँ दो ही हैं, या तो मैं गगन पे पहुँच जाऊँ या वो मेरे तक आ जाएं, तीसरा तो कोई रास्ता बचता नहीं बीच में से, या उनको आना होगा या मुझे जाना होगा। एक चाहिए उपाय, अपने आप को असमर्थ असहाय महसूस कर रही है। क्यों? मैं चाह के भी तुम्हारे योग्य नहीं बन सकती, तुम चाहो मुझे अपने योग्य बना सकते हो। मैं चाह के भी अपने विकार खत्म नहीं कर सकती, तुम कृपा करो तो ये विकार मिट सकते हैं। मैं चाह के भी ऊंची नहीं उठ सकती, पर तुम कृपा का हाथ दे दो, खींच लो, तुम उठा सकते हो मुझे। किस विद मिलना होई, अपने को भी पूछ रही है, अपने भगवान को भी जतला रही है और दुनिया वालों को भी समझा रही है मुझे दर्द किस चीज़ का है, दर्द इस चीज़ का है। पिया परदेस है, मैं यहाँ हूँ, वो मुझ तक आ नहीं पा रहे, मैं उन तक जा नहीं पा रही, मेरा दर्द तो ये वाला है। तुम क्या बहला रहे हो सांसारिक प्रलोभनों से, मेरी पीड़ा कुछ और है। मेरा दर्द ये है
कि वो इतने ऊंचे और मैं इतनी नीची, और मैंने संकल्प कर लिया उनको पाने का। रब्बा मेरी लाज रखी, हाथ ऊंचियां नू पा लीता। अब एक बार किसी ऊंची चीज़ में हाथ डाल लो, रिश्ता कर लो किसी ऐसे घर में, पहले तो कर लो भाई, ऊंचे घर में रिश्ता कर लेते हैं, फिर जब उनके हिसाब से लेन देन करने पड़ते हैं सब, फिर लगता है हम कहाँ फंस गए, ये क्या कर लिया हमने। जॉब करते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन लोगों को, अब कभी कभी लालच में आके बड़ा प्रोजेक्ट तो हाथ में ले लेते हैं, फिर दिक्कत में आ जाते हैं। सड़कें बनती हैं, कुछ बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, ले लेते हैं, फिर जब उसमें लगता है करोड़ों रुपया, लगती है लेबर, फंसती है पेमेंट, कहाँ पंगा ले लिया हमने, क्यों ले लिया। भक्त भी कभी कभी चलते चलते महसूस कर जाता है, हाथ उच्चयन उपा ली, तई मैंने मांग क्या रख ली, मैंने संकल्प क्या कर लिया, मैंने ये सोच क्या लिया। अच्छा भला बैठा था, अपनी झोपड़ी में आप आग लगा ली। अच्छा भला बैठा था, अपनी पूंछ में आग लगा ली। ये क्या किया मैंने। कुछ कुछ मीरा को ऐसा महसूस हो रहा है अंदर कि मैंने जिसको पाने का सोच लिया, मैं जिसको पाने निकल पड़ी, वो तो सेज बिछा के बैठा है गगनमंडल पे, बहुत ऊंचा है, बहुत पवित्र है, बहुत नाजुक है। अब मेरी पहुंच कैसे होगी उस तक, ख्याल चलता है अंदर। चल पड़ो, ये विचार उसके बाद आता है, पहले आ जाए ना, शायद हम कदम बढ़ाएं ना बढ़ाएं हमारी मर्जी हो जाए, पर भगवान उस समय ना आकर्षण ऐसा दे देता है, अकल मारी जाती है। और जब थोड़ा सा होश आने लगता है, तब तक हम बहुत आगे आ चुके होते हैं, अब लगता है पाना ही है, तो ऐसी तड़पन मचती है, फिर पाना तो है, कैसे भाई, कैसे पाएं, कैसे पहुंचें, कैसे उनके योग्य बने, कैसे उनके प्यारे बने, कैसे उनके कृपा पात्र बने, कैसे उनके नज़दीक जाएं। फिर ये हलचल होती है, सबको होती है, इतना काफ़ी नहीं रखता ना। एक रिश्ता बांध लिया, प्यार बांध लिया मीरा ने, रिश्ता भी इतना प्यारा बांधा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इतना प्यारा रिश्ता बांध लिया। अब ऐसा रिश्ता बांधने के बाद नज़दीकी तो भाई चाहिए, घूंघट ही ना उठा, मिलाप ही ना हुआ तो पति कैसा। अब वो स्थिति तो चाहिए, शादी बचपन में करा देते हैं, फिर गौना तो चाहिए, गौना हो के लड़की घर जाए, पति अपनाए, घर में एडजस्ट हुए, सब कुछ है। अब मीरा को बचपन में शादी हो गई, पर अब तो वो गौना कराने के लिए तड़प रही है ना, अब तो लग रहा है मेरे प्रियतम मुझे ले जाएं, अब तो लग रहा है मैं उनके पास रहूं, अब तो लग रहा है मेरा उनका मिलाप हो, अब तो लग रहा है दूरी नहीं, बचपन था, दूरी चल रही थी, पहले करा देते थे छोटेपन में शादी बच्चों की, उसके बाद बच्चे मस्त, उनको क्या पता शादी क्या होती, खेलते कूदते रहे, पढ़ते रहे, जब बड़े हुए तो समझ आता था गौना होना चाहिए, फिर संदेशे जाते थे भाई गौना करा ले जाओ लड़की का, कभी वहाँ से मैसेज आता था हम गौना कराना चाहते हैं। अब मीरा ने तो लव मैरिज करी है, कोई रिश्ता भेजेगा नहीं गौने का, और प्यारा है कि उसको भी होश नहीं है कि गौना कराने जाना है, वो तो याद रखे, उसको तो पता होना चाहिए। तो मीरा बेचारी हूँ बीच में फंसी हुई है। तो कई कारण है कहने के, गगन मंडल पे सेज पिया की,
भाई अब शादी तो हो गई, कभी कभी घर ऊंचा है, अगले झिझकते हैं गौना कराने में, मीरा को लग रहा है पता नहीं ऊंचे हैं, ऊंचा खानदान है, खुद बड़े रुतबे वाले हैं, मैं तो दासी, मेरी तो इतनी भी औकात नहीं, कैसे पहुंचूं, कैसे मिलूं, ये सब चिंतन है। इसीलिए वैद्य जी नहीं समझ पाएंगे इस नब्ज को, इसको खुद ही क्लियर करना पड़ा, मेरा रोना ये वाला। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिलया नहीं कोई, कह रही है घूमती फिरती हूँ, पुकारती फिरती हूँ, दर दर घूम रही हूँ, मंदिर मंदिर जा रही हूँ, पर कोई वैद्य ही नहीं मिलता मुझे, मिला ही नहीं कोई वैद्य, कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बाण निकाल के घाव को ठीक कर दे, सुखा दे। जब किसी को तकलीफ होती है ना, भागता फिरता है, देखो एक कांटा चुभ जाए, कुछ हो जाए, दौड़ते हो एक कमरे से, प्लीज़ निकालना, तू निकाल तेरे से, अच्छा हट दूसरे के पास जाऊँ। मीरा को भी प्रेम का बाण लगा है, अब वो कह रही है मैं डोलती फिर रही हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अब इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए, पीड़ा से आराम चाहिए, इसके लिए वैद्य ढूंढा मैंने भी, वैद्य जी को ही बता रही है, वैद्य ना मिलया कोई। कभी कभी जाते हैं ना किसी छोटे वैद्य के पास, इसके बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े टेस्ट करा लिए, कोई फायदा हुआ नहीं, वो बेचारा कहता है आप एक बार विश्वास करिए, मेरी दवाई लीजिए। मीरा भी वैद्य को बता रही है वैद्य ना मिलया कोई, बहुत घूम लिया, बहुत ढूंढा, सोचा कोई वैद्य मिल जाए, लेकिन वैद्य कोई मिला नहीं, कोई एक्सपर्ट वैद्य था ही नहीं दुनिया में जो ये घाव ठीक कर सकता, या जिसके पास कम से कम इस पीड़ा का एहसास होता, औषधि होती, ऐसा कोई मिला ही नहीं। किसी को ये बीमारी पता हो, पहले देखो बीमारी फैलती है, फिर साइंटिस्ट लग जाते हैं दवा ढूंढने में, तब तक राम भरोसे चलना पड़ता है, क्या करेंगे। मीरा कह रही है किसी को ये पीड़ा ही नहीं पता, अब पीड़ा नहीं पता तो दवा कहाँ से आती, कहाँ से आए दवा, दवा तो अभी खोजी नहीं गई क्योंकि किसी को ये पीड़ा लगी ही नहीं। पीड़ा लगे किसी को फिर तो वो लोग सोचे ना अब उपाय ढूंढा जाए, कोई बुखार आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, पहले वो आ जाता है, कईयों को मार जाता है, फिर आप शुरू होते हो भाई अब ढूंढो इसका इलाज, पहले कैंसर आया फिर इलाज ढूंढने शुरू किए, पहले गैंग्रीन आया फिर इलाज ढूंढने शुरू किए, बाद में ढूंढे जाते हैं इलाज। इसीलिए वैद्य न मिलया कोई। अब ये जो भक्ति का घाव है ना, ये भरता तो है नहीं बल्कि दिन दिन बढ़ता जाता है, ये घाव ऐसा है दिन 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 बढ़त तो देखोगे घटत नहीं देखोगे। कई बार तो होता है कोई घाव होता है उसको छोड़ दो, अपने आप सूखने लगता है, भरने लगता है, खत्म हो जाता है। कोई कोई घाव सूखते नहीं अपने आप, कई बार तो ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद भी नहीं सूखते। ये भक्ति वाला घाव ऐसा है, ये भरता तो है नहीं, दिन दिन महसूस करोगे बढ़ता है, ये दर्द बढ़ता है, ये प्यार बढ़ता है, ये भक्ति बढ़ती है, प्यारे की याद बढ़ती है, चैन नहीं पड़ता, नहीं जाएं उलझनी होती रहती है, गए नहीं, मिले नहीं, देखा नहीं,
घंटे गिनने लगते हैं। पहले शुरू में आते हैं तो लगता है कोई बात नहीं, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक। कुछ समय बाद फील होने लगता है हमें आदत हो गई है, मन के वश चलो नहीं तो जाते, पर घर बैठ के भी दिल नहीं लगता, आज मिले नहीं, आज देखा नहीं, दर्शन की आदत हो गई। फिर एक समय आता है मिलके भी नहीं मिले, एक समय आता है मिलना काफ़ी नहीं बतियाना जरूरी, एक समय आता है लगता है हालचाल देना ज़रूरी, एक समय आता है लगता है नज़दीकी ज़रूरी। तो ये घाव बढ़ता है, अंदर अंदर बढ़ता है, रोज़ रोज़ बढ़ता है, करीब जाने के लिए ही बढ़ता है, फ़ायदे के लिए ही बढ़ता है, लेकिन बढ़ता हर रोज़ है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब भक्त पूरा का पूरा खुद ही एक घाव बन जाता है, खुद ही पूरा प्यास बन जाता है। उस समय परमात्मा से मिलन की घड़ी आती है, लेकिन उससे पहले कीमत तो चुकानी पड़ती है। ये तड़प कीमत है, ये हलचल, ये घबराहट, ये परेशानी, ये सब कीमत है, ये सहना पड़ता है, जो कीमत है ये, उसके बिना नहीं मिलता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके सिवाय पाना मुश्किल होगा, ये घाव बढ़ेगा। सिर्फ घाव रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा, तब परमात्मा मिलता है, ऐसे नहीं, बातों से नहीं। राजी कर लो अपने को ज्ञान ध्यान से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजी बच्चे को माँ खिलौना दूध की बोतल क्या क्या देती है, राजी हो जाए और कहती है चल मैं अपने दो काम निपटा लूँ, ये तो अब राजी हो गया, ये तो बैठ गया आराम से, ये तो हंस रहा है अब मैं अपने दो काम निपटा लूँ। भगवान ने खिलौने फेंक रखे हैं, ज्ञान ध्यान शास्त्र वेद, जो इनमें राजी हो गया माँ की गोद से चूक गया, जो राजी नहीं हुआ उसके लिए माँ को आना पड़ेगा। मीरा राजी नहीं होती है, कहीं राजी नहीं होती, ऐसा थोड़ी है कि मीरा के समय में गीता नहीं थी, मीरा के समय में रामायण नहीं थी, मीरा के समय में साधु संत नहीं थे, मीरा के समय कोई ज्ञान बताने वाला नहीं था, बड़ा कुछ था। साध संगत तो बार बार खुद ही कहती है, इसका मतलब हो गए ना साधु, होंगे ना संत। पर मीरा किसी बात पे राजी नहीं, देते होंगे साधु संत भी, घर वाले प्रलोभन देते हैं तो ज़रूर, बात फैली है तो संत महात्मा भी आते होंगे, जो आते होंगे दर्शन करने, दशा देखते होंगे, वो भी कोई ना कोई परामर्श देते होंगे भी, आप एक साधारण व्यक्ति हो के डॉक्टर की डिग्री भी नहीं, किसी के घर चले जाओ, बीमारी देख के हालत देख के दो परामर्श तो आप ही दे आते हो, डिग्री भी नहीं, अगले तो डिग्री होल्डर हैं, उन्होंने भाना पहना है, वेश बदला है, सिर मुंडवाया है, गले में माला डाली है, माथे पे चंदन लगाया है, डिग्री होल्डर हैं, तो क्या वो आके कोई बात नहीं बताते होंगे, सो भी बताते होंगे। मीरा ऐसे मिलता है, मीरा वैसे मिलता है, मीरा निराकार, मीरा निश्चय, मीरा मीरा को नहीं बात जमती कोई भी, वैद ना मिले हो कोई, झूठे सब, ये नहीं समझ रहे। भक्त की बात ज्ञानी को कहाँ समझ आए, नहीं समझ आ सकती है। भक्त अपना दिमाग खराब भी नहीं करना चाहता ऐसों के साथ, लेकिन वो उनके साथ राजी भी नहीं हो सकता। मीरा को माँ की गोद चाहिए, उसको ना चाहिए दूध की बोतल, उसको नहीं चाहिए खिलौने, वो कहती है सब अपना ज्ञान ध्यान शास्त्र अपने पास रखो। गोपियों ने बोला संभालो योग की पूंजी,
ना हाथों से निकल जाए, हमारे विरह की अग्नि में ये ज्ञान पोथी ना जल जाए, भक्त नहीं राजी हो सकता, मीरा नहीं राजी हो सकती। मीरा को तो कृष्ण चाहिए बचपन से अड़ी मूर्ति के लिए, और उसकी वही अड़ बढ़ते 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 आखिर समय, क्योंकि पाने का वे ये था। पर आप देखो ना, ये जिद बचपन की पक्की जिद, कृष्ण के लिए पजेसिवनेस बचपन से, और पक्की ये उस मूर्ति के सिवाय राजी नहीं हुई। क्या घर वालों ने और मूर्तियां नहीं दिखाई होंगी? राज परिवार है, हजार मूर्तियां, पर मीरा अड़ गई वही वही वही, और उसी अड़ को लेके चली और पाना चाहती है। वो बात अलग है कि मैच्योर हुई तो समझ आ गया पाने का तरीका आप गवाना है, गवा के पा गई, मिल गई उसमें, लेकिन उसकी जिद काम आई, पा के रही ना, बीच में चल देती दाएं बाएं कहीं भी, फिर ना पा सकती। बीच में सोच लेती, ज्ञान का निश्चय कर लेती, बीच में सोच लेती हाँ वही तो है, इधर भी वही उधर भी वही, फिर फेल हो जाती अपने मार्ग पर, लेकिन राजी नहीं होना चाहती, कृष्ण से कम में राजी नहीं होना चाहती। भाई जब साकार बैठे, हम निराकार से क्यों राजी हूं? जब तुम बैठे हो सामने, जब हम राधा हो सकते हैं, मीरा क्यों हो? भाई साकार मिले, हम राधा की तरह प्रीत कर सकते हैं ना, तो फिर हमें मीरा की तरह मूर्ति से या निराकार से दिल क्यों लगाना है? बात तो ये, आज इधर भी कोई बड़े भक्ति मार्ग में तो यही तो सोचेगा, हम लोग मन में क्या सोचते थे, यही सोचते थे कि जब तुम सामने हो हम वो लीला का आनंद ले सकते हैं, प्यार ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ संभव है, तो हम भला निराकार में मन क्यों लगाएं जब तुम हो सामने? ये हमारा अहोभाग्य है, तुम हो सामने। फिर तुम सामने हो, पति घर में और तुम तस्वीर लेके पहुंचते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में निहारते रहो, देखते रहो, तुम्हें पागल खाने छोड़ आएगा कि मैं पागल हो गई है, मेरे को चाहे पूछती नहीं, मेरे से एक अक्षर बात करती नहीं, और कमरे में मेरी फोटो लेके बैठी रहती है। तो साकार में भगवान मिले, मेरी जीवन उसके संग संग बीते ना, उसके प्यार में बीते, उसके सानिध्य में बीते, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है? मैं निराकार से मन लगाऊं, शास्त्रों से मन लगाऊं, ज्ञान ध्यान से मन लगाऊं? सो मीरा को लग रहा है वैद कोई है नहीं जो मेरी पीड़ा को समझ सके, मेरी पीड़ा को जान सके और दूर कर सके। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवलिया होई। कह रही है पीड़ा कब मिटेगी? जब सांवरिया खुद वैद बन के आ जाए, और कोई उपाय नहीं इस पीड़ा को खत्म करने का। वो हाथ रखें आके मेरी नब्ज पे, क्योंकि वही पहचानते हैं इस नब्ज को। ये नब्ज इतनी महीन है, इतनी बारीक है, किसी वैद के हाथ में आती नहीं ये वाली नाड़ी। तो ये नाड़ी तो उसके हाथ में आएगी, वो आ पाए, वो आके हाथ रखे, और किसी के हाथ रखने से फायदा नहीं होगा। और मैं चाहती भी नहीं और कोई हाथ रखे, ये वैद्य जी भी हाथ ना ही रखें तो ठीक है, चलते हुए इनको शारीरिक पीड़ा पता है, इनको मेरे मन की वेदना, मेरे मन की व्यथा नहीं पता। ये तो नब्ज देखेंगे, इनके हाथ आ भी जाएगी, पर कौन सी, इनको ये पता चलेगा शरीर में कहाँ हलचल है,
लेकिन मेरा सांवरिया आएगा ना, वो पहचानेगा मेरे भीतर कहाँ हलचल है, उसको पता चलेगा प्रेम का तीर कहाँ लगा है, उसको पता चलेगा ये पीड़ा क्या है, और उसको ही पता है कि इस पीड़ा को ख़त्म करने का उपाय क्या है। इसीलिए वो हाथ रखे, वो आ जाए। इन सब से तो कोई फायदा होने वाला ही नहीं। बच्चे सब हम रहते थे ना गुरु के पास, कभी कभी कोई बोलता था सिर दर्द है, कोई बोलता था पेट दर्द है। भगवान पूछते थे सिर में दर्द है सिर का दर्द है, पेट में दर्द है पेट का दर्द है। सब हैरान होते थे ये कौन सी बात हुई। बोला सिर में दर्द सचमुच है डेक, सिर का दर्द अंदर तुम्हारे कुछ और है, बहाना बना रहे हो। सिर दर्द अक्सर औरतों को सिर दर्द होता है, देखा है तुमने, ज़्यादा होता है जब ससुराल वाला कोई आ जाए तो। सिर में दर्द नहीं होता, सिर का दर्द होता है। उसमें उसको गोली भी नहीं खानी, डॉक्टर को भी नहीं दिखाना, अभी ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। बस वो जाएंगे तो ठीक हो ही जाएगा। अगर वो खाना खाएंगे तो बढ़ेगा, अगर रात रहेंगे तो माइग्रेन होगा, है ना। ये सिर का दर्द होता है, कई लोगों को होता है सिर का दर्द। हमने कुछ कह दिया, सिर का दर्द, तबीयत ठीक नहीं है, सो रहे हैं, क्या हुआ, सिर दर्द है, सिर भारी है, कुछ नहीं है, सिर का दर्द है, सिर में दर्द नहीं है, ईगो हर्ट हो गई है, परेशानी वो है। एक पेट में दर्द होता है सचमुच, एक पेट का दर्द। स्कूल से छुट्टी करनी हो, मम्मी पेट दर्द है, क्योंकि वो दर्द ऐसा है दिखेगा तो है नहीं। अब मम्मी क्या करे, स्कूल भेज दे बेचारा बच्चा, परेशान हो, पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए, सबसे अच्छा बहाना छुट्टी के लिए पेट दर्द है, है ना। तो पेट का दर्द होता था, पेट में नहीं। जैसे ही स्कूल का टाइम निकला तबीयत ठीक हो गई, परांठा दे दो, दूध दे दो, मैं खेलने जाऊं, अब सारा दिन पेट दर्द का नाम निशान नहीं। खाया पान ज्यादा ही, माँ कहेगी अब पेट दर्द कहाँ गया तेरा, समझ गई इसको कोई पेट दर्द नहीं था, फर्क है। ऐसे मीरा कह रही है इन लोगों को लग रहा है मेरे शरीर में कोई हरारत है, नहीं मेरे तो मन में हरारत है। ये वैद्य जी नब्ज पकड़ रहे हैं इनको, शरीर तो मेरा स्वस्थ है, निडाल तो सिर्फ मन की वजह से हूँ, वरना तो शरीर में कुछ नहीं है। पर जो मन की पीड़ा है उसको समझने वाला कोई मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम कुछ और है, डॉक्टर्स कोई और आए जा रहे हैं, कैसे बात बनेगी। देखते हो हॉस्पिटल में तुम चले जाओ, अलग अलग कैबिन है डॉक्टर्स के, आप एक डॉक्टर को जाके सारी कहानी सुनाओ वो कहेगा फिर इतने नंबर में ना हार्ट वाले डॉक्टर बैठे हैं, ये बात आप उनको बताना, इतने नंबर कमरे में ना लीवर वाले डॉक्टर बैठे हैं, ये बात आप उनको बताना, इतने नंबर में गैस्ट्रोलॉजी वाले बैठे हैं, ये प्रॉब्लम उनको बताना, अलग अलग रूम में। अब मीरा कह रही है जो सर्जन मुझे चाहिए वो तो आ नहीं रहा, तुम अजीब अजीब सर्जन बुला रहे हो जिनको नॉलेज ही नहीं। अब हार्ट से पंगा कोई और डॉक्टर नहीं लेगा, लीवर वाला हार्ट की दवाई कभी नहीं लिखेगा, कहेगा हार्ट वाले को दिखाओ। अब ये जो वैद्य बुला लिया तुमने, राज वैद्य, इसको ये पीड़ा हुई है, इसको तीर लगा है, ये मेरे प्यारे का पागल है, नहीं है ना। मेरे लिए इसके सर्जन होना किसी काम का नहीं, निकालो इसको बाहर। मीरा की बात कुछ और है, वो चाहती भी नहीं कोई और हाथ रखे,
चाहती भी नहीं इस दुखती रख को कोई और मुआयना करे, ना वो समझ पाएगा ना मुझे समझाना। वही आए जिसने तीर मारा, वही आए। बच्चों में देखा लड़ाई होती है कभी कभी, अब कोई चीज किसी का हाथ लगने से तुम्हारे ऊपर गिर गई, चादर पे गिर, तू ही साफ कर, तू ही साफ कर। देखा भिड़ जाते हैं भाई बहन आपस में, मैं क्यों साफ करूं, तूने गिराई ना, साफ कर, लिया गीला कपड़ा, लिया सूखा कपड़ा। मीरा भी अड़ गई है, तीर तूने मारा ना। अब पीर तब मिटेगी जब वैद्य सांवरिया हुए। एक तो वैसे ही उपाय नहीं है, दूसरा मुझे उपाय नहीं करवाना किसी से। माँ कभी कभी आ जाती है, अच्छा हट जा मैं कर देती, आप भी नहीं करोगे यही करेगा। देखा लड़ाई होती है ना, पता होगा तुम सबको, नहीं होती, होती है। माँ बिचारी आ जाती है बीच में मंडावली करने, छोड़ो मैं साफ करती हूँ, ना तू कर ना तू कर, नहीं नहीं आप हट जाओ, आपने सिर चढ़ाया, इसको करने दो, इसको पता चले। मीरा भी अड़ गई है, कह रही है पहले तो किसी के पास उपाय है नहीं, कोई वैद्य है नहीं, कोई नब्ज देख नहीं सकता, देख भी सकता है तो मैं दिखाती नहीं। वही आए, मेरी पीर तब मिटेगी जब वैद्य सांवरिया होए। तुमने कोई चीज़ शौक से मंगवाई, भाई बहन का हाथ लगा गिर गई, सड़ जाते हो, अड़ जाते हो, तू ही जहाँ ले के आप बाजार से ये चीज़, मुझे तभी खानी है जब ये लाए। माँ ले आए, बाप ले आए, चादर तान के सो जाओगे, खानी नहीं, उसको भेजो बाजार। मीरा भी कुछ बचपना जिद आ गई, अब आओ, पागल तुमने बनाया, घायल तुमने बनाया, अब तुम्हारे सिवाय मैं भी राजी नहीं, ना कोई देख पाएगा इस नब्ज को, ना मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाना ही नहीं चाहती। पर भगवान क्या करता है, भगवान इस घाव को और गहरा करता है, पकाता है। देखो घाव पके बिना घाव भरेगा नहीं, है ना। पहले घाव होता था ना कोई, तो बड़े लोग उस पर कुछ हल्दी वगैरह कुछ ऐसा लोई आटे की बना के कहते थे इसका मुंह बनना है, फोड़ा होता था, मुंह बन जाए इसका, पक जाए, पकेगा फूटेगा मवाद निकलेगी तो ठीक हो जाएगा। अब भगवान तो घाव पकाता है, और इस पकाई के दौरान क्या करता है, भक्त का हृदय बहुत नाजुक कर देता है, बहुत नाजुक हो जाता है भक्त का हृदय। आप देखो मंदिर में घंटी बजेगी, भक्त के अंदर पीड़ा उठेगी, चोट लगेगी। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, चोट भक्त को लगेगी। पक्षी को देखेगा, चोट भक्त को लगेगी। नदी वृक्ष देखेगा, चोट भक्त को लगेगी। आप देखते हो धीरे धीरे आपके अंदर चोटें जल्दी जल्दी लगने लगती हैं। पहले सत्संग में भी नहीं लगती थी, फिर सत्संग में लगने लगी, फिर घर आके कोई बात याद आई तो लगने लगी। धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो जाता है, चोटी खाते रहते हैं सारा दिन, बड़ा नाजुक दिल हो जाता है, कि याद आ जाता है, ध्यान आ जाता है, इसीलिए तो खाना पीना मुहाल हो जाता है सारा। लेके बैठो, अब मीरा मक्खन लेके बैठती होएगी, राजघराने की बहू है, खाना तो बढ़िया मिलता ही होगा, पर वो मक्खन खाए कहाँ, मक्खन दिखा तो माखन चोर याद आ गया, रोटी वहीं रखी रह गई, मीरा तो खो गई, चोट लग गई उसको तो। एक आ गई सखियां काजल पहनाने, वो काजल डालने लगी, काला काजल दिखा, काला सांवरा याद आ गया, बैठ गई मीरा तो वहीं, एक और चोट खा के अनुभव किया। प्रेम बढ़ता है अंदर, चोटों पे चोटें लगती हैं, बढ़ता है ये काम, बड़ी जल्दी जल्दी चोट लगती है, पूरा दिन चोट लगती है, कहीं से भी लग जाती है, कहीं से भी बैठे बिठाए चोट लग जाती है, पता ही नहीं चलता। बीमारी चली है ना आजकल, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, कोई कोई बैठे बैठे कहते हैं बैठे बैठे हड्डियाँ टूट रही हैं इसकी, कई लोग देखे ऐसे बैठे बैठे हड्डी टूट जाती है।
भक्त के साथ क्या होता है, बैठे बैठे चोट लग जाती, कहीं से भी लग जाती। तस्वीर देख ली तो, कोई भजन की लाइन कान में पड़ गई तो, कोई उनसे कनेक्टेड बात हो गई तो, कोई उनका रंग रूप दिख गया तो, कोई उन जैसा दिख गया तो, इतना नाजुक हो जाता है हृदय, सारा दिन चोट लगती। कोई महिमा सुना दे, कोई बात सुना दे, अंदर वाला घायल पे घायल, घायल पे घायल। और परमात्मा कैसा, एक बार अगर उसको बुलाओ फिर ठहरता नहीं, आता ही जाता है, आता ही जाता है नज़दीक। ये चोटें जो लगती हैं, क्या हो रहा है, नज़दीकी तो आता जा रहा है, नज़दीक दिन दिन आ रहा है, मिल रहा नहीं। अच्छी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई। पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते बहुत सारे हैं, ऐसे लगता है बस अभी फिनिश फिनिश, कोर्स है, ख़त्म होने में ही नहीं आता। ये स्थिति भक्त के साथ होती है। परमात्मा दिन दिन नज़दीक आता है, पर चोट पे चोट खानी पड़ती है हर रोज़। इसीलिए देखो, लोग नज़दीक आने से, नज़दीक बुलाने से डरते हैं भगवान को। जहाँ चोट लगती है ना, वहाँ लोग नहीं जाना चाहते। सत्संग में भी आ जाएं, ज्ञान पकड़ के सुखी हो जाते हैं, प्रेम की चोट नहीं खाना चाहते। हर कोई इस चोट से अपने को बचाता फिरता है। अब चले जाओ पंडित पुरोहित के पास, वो सस्ते रास्ते बता देंगे, सत्कर्मों वाले, बहुत सस्ते रास्ते। मंदिर बना लो, धर्मशाला बना लो, शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान पढ़ लो, सस्ते रास्ते। अपने मन को भी सस्ते रास्ते अच्छे लगते हैं। सुन लो ज्ञानी, स्वच्छंद चलो, गुरु के अंडर भी नहीं चलना पड़ेगा। अपने को आत्मा बोलो, ज्ञानी बोलो, अपनी मन मर्जी करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, अपनी मर्जी का सत्संग चलाओ, ठीक बढ़िया। कौन रोज चोट खाए गुरु की? गुरु के प्रेम की भी चोट है, और जहाँ टेढ़े मेढ़े हो गए गुरु, वहाँ से भी चोट करेगा। सस्ते रास्ते मन खोजता है, उसको बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ किसी ने कहना ही नहीं तुम्हें कि जाओ खोजो, चोट खोजो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ मीरा जैसी कहेगी चोट खोजो। जिसने चोट ना खोजी उसने परमात्मा ना खोजा। चोट खोजनी पड़ेगी। अब व्यापारी सारे जाएंगे पंडित पुरोहितों के पास, सस्ता काम है वहाँ। बुद्ध पुरुषों के पास आएंगे ज्वारी, जो दाव खेलना जानते हैं, वही आएंगे खाली। या हिम्मत वालों का काम है, या डरपोकों का काम नहीं, इच्छा के गुलामों का काम नहीं, जिनको अपनी इच्छा से चलना है उनका काम नहीं। मीरा कैद से रिहा नहीं होना चाहती भगवान की, और तुम्हारा मन चाहता है मैं आज़ाद रहूं, इसीलिए तुम सस्ता साधन खोजते हो। सत्कर्म भी सस्ते साधन, ज्ञान भी सस्ता साधन, खोज लेते हैं। लेकिन उससे काम नहीं बनता जब तक उस चोट को खाओ नहीं, उस चोट को खोजो नहीं, और फिर उस चोट पर मरहम लगाने वाला सांवरिया आप ना मिले, तृप्ति होती नहीं। उनके संग हंसें, उनके संग बोलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खाएं, उनके साथ घूमें, वो जीवन की तृप्ति है। उसके लिए ज्वारी होके दाव खेलना पड़ता है। अब मीरा ने भी जो कहा ना, बड़ा सोच समझ के कहा, क्योंकि वो चोट खाए हुए। और याद रखना, सतगुरु कौन, जो तुम्हारे इस घाव को गहरा कर दे। सतगुरु का भी काम यही है, इस चोट को दिन दिन गहरा बनाए। सो मीरा कहती है, हेरी
मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, कोई भी नहीं जान रहा, ना संसार वाले ना वैद, एक सांवरिया जानता है बस, और वही आए तो बात बन जाए। अब एक बात सोचना, भक्त को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, अंदर अंदर सहता है, पर ये बोल गई मीरा, सच ये है उसके मुंह से ना अनायास बात निकल गई है, दर्द बोल पड़ता है कभी कभी। आप देखो ज्ञानवान पुरुष भी शांत होता है, पर कभी कभी पीड़ा आती की होती है तो हाय उसके मुंह से भी निकल जाती है। मीरा बोलने वालों में से नहीं है, सहने वालों में से है। पर कौन बोला? दर्द बोल पड़ा, अचानक बोल पड़ी, अचानक अंदर से आवाज निकल आई, अचानक मुंह खुल गया। राम निकालना नहीं चाहती थी मुंह से, निकल गया अचानक, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, कई खारे पानी के समुंदर पीने पड़ते हैं, कहीं जाके इस खारीपन के बाद उस स्वाति नक्षत्र की मीठी बूंद हाथ आती है। मीरा बोलने की नहीं थी, अनायास निकल गया मुंह से। ये दर्द दिखाने की वर्णन करने की चीज नहीं, अति हो जाता है कभी कभी, प्याला भर गया तो छलक गया, दर्द इतना अधिक हो गया वो छलक गया, अदरवाइज कोई बात थी नहीं कहने की। तो आ तो गया वैद, राजवैद बुला लिया भोजराज ने, आ गया, नब्ज देखी, उसके देखते देखते मीरा बोल पड़ी, मेरा दर्द ना जाने कोई, पूरा ये भजन उसके मुंह से निकला। उसके बाद थोड़ी देर तो चुप हो गई, निहारने लगी भगवान की मूर्ति को, एक बार फिर बतियाना शुरू हो गई, कहती है हे कृष्ण, तुम अपने प्यार में मुझे सताते बहुत हो, बहुत परेशान करते हो, कभी कोई युक्ति करते हो मुझे परेशान करने की, कभी कोई, जैसे उसकी आदत थी बतियाने की, बात करने की, बोलती रहती थी मूर्ति से, सेम उसी तरह से उसने बतियाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बतियाई, बोली, अचानक मूर्छित हो गई, बेहोश होके गिर गई, उलाने देते देते बेहोश हो गई। अब घर के लोग बहुत परेशान हो गए, दिन दिन हालत बिगड़ती जा रही है, अभी तो सामने देखा उन लोगों ने, वैद्य को बुलाने का भी कोई फायदा नहीं निकला, सामने देखा अभी भजन गा रही थी, अभी उलाने दे रही थी, अब मूर्छित होके गिर गई है। सब घर के लोग बहुत परेशान हुए, बहुत प्रयत्न करने लगे, लेकिन मीरा के इस रोग का निदान कोई ढूंढ नहीं पाया, कोई मीरा का इलाज मिला नहीं उन लोगों को, कोई उपाय ऐसा नहीं था जो उनको पता चले और वो ना करना चाहे मीरा के लिए। अब तो भोजराज का भी दोबारा से एक और डायवर्जन हो गया, पहले ही रिस्पेक्ट करता था, अभी और डायवर्जन हो गया, कुछ भी करने को वो तैयार है, लेकिन हालत अब ये है कि इस रोग का कोई निदान मिलता ही नहीं है। कोई भी उपाय वो करने को तैयार है, लेकिन कोई उपाय बता सकी नहीं रहा है,
देख रहे हैं वो लोग बाहर से मीरा की हालत, अंदरूनी ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, देख रहे हैं उसको तड़पते हुए, परेशान होते हुए, पर बेबस खड़े हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं निकला वैद्य के आने से, कोई उपाय समझ में नहीं आया, कोई बीमारी नहीं पकड़ में आई, और राज वैद्य वापस चले गए। पता नहीं उनको मीरा की कोई बात, भजन बात समझ आई नहीं आई, पर वो निराश वापस चले गए।